ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रीना और जूली दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ती थी। रीना गांव से आई थी और काफी सिंपल सी लड़की थी, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसीलिए वो काफी बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। जूली, तुझे पता है, मैं हमेशा एक लड़के के बारे में बताया करती थी जो कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में था। हाँ, याद है मुझे, जो तुझे अच्छा लगता था और ये बात तूने उसे कभी नहीं बताई थी। हाँ, वही लड़का। पता है उसने मुझे कल मिलने बुलाया है। क्या क्या बात कर रही है, मैं तुझे कल के लिए तैयार करूंगी। जूली, मैं उसे सिर्फ मिलने जा रही हूँ, इसमें तैयार होने जैसी क्या बात है। देख, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, चल मैं तेरा फेशियल करती हूँ। अरे जूली, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, चल मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरे माँ के गांव में घटी थी। वाओ, जल्दी बता। ये स्टोरी मेरे मॉम के गांव की है। उसके गांव का नाम याद नहीं, गांव का नाम। वहाँ के लोगों को एक श्राप था कि अगर वहाँ कोई बच्ची पैदा हुई जिसके गाल पर बड़ा सा तीर है तो वो चुड़ैल है, और अगर उसे नहीं मार डाला तो वो लोगों को मार डालेगी। कई लोगों का इस पर विश्वास नहीं था, पर आगे जाके एक एक करके फैमिली के लोगों को वो चुड़ैल मारने लगे। तो वो लोगों ने भी इस पर विश्वास रखना चालू किया। ऐसा भी कभी होता है क्या? पता नहीं, तो सुनना। इसी गांव में हरी नाम का एक आदमी था। उसके घर में 4 साल बाद लड़की पैदा हुई थी। वो और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन उसकी बेटी के गाल पर बड़ा सा तिल था। हरी उसे देख के डर गया। किसी भी हालत में वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, तो उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक तांत्रिक है जो उसकी मदद कर सकता है और उसके पास हर समस्या का निवारण है। हरी तुरंत उस तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी बेटी इस श्राप से मुक्त हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हरी तुरंत राजी हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। ऐसे तांत्रिक होते भी है क्या? हाँ, होते हैं ना। तांत्रिक ने कहा कि आज से 12 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लाना है। मैं उसके सर पर लोहे की एक कील मारूंगा, जिससे उसे दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस लोहे की कील में मंत्रों की शक्ति होगी। उससे वो चुड़ैल कभी उस पर हावी नहीं होगी और उसके गाल का वो तिल भी गायब हो जाएगा। तुम्हें ध्यान देना है कि वो लोहे की कील कभी भी निकल ना पाए, उससे वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी और लोगों को मार डालेगी। और फिर 12 साल बाद हरी अपनी बेटी को तांत्रिक के घर ले गया। वहां तांत्रिक ने पूजा पाठ की मदद से हरी की बेटी को बचाया। अब उस गांव में चुड़ैल का साया नहीं है। बाप रे, बहुत ही डरावनी स्टोरी है ये। अभी तो वो लड़की काफी बड़ी हुई होगी। हाँ, शायद। Ha ha ha!